हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। भाभा एटॉमिक सेंटर पर टोटल 63 वैकेंसीज़ है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट डेट क्या कुछ है सभी के बारे में बताऊँगा और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसमें स्टाइफेंड भी काफ़ी अच्छा है, 78,800 तक आपका स्टाइफेंड है और भी काफ़ी सारे अलाउंस के साथ आपको 1 लाख प्लस हो जाता है। अलग अलग डिपार्ट मेडिकल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड्स में है, आपने ग्रेजुएट किया है या 12th भी किया है, हर एक के लिए जो है वैकेंसीज है। तो इसका डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है उसको मैं दिखाता हूँ आपको, उसको पढ़ लीजिएगा अगर आप ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हैं। तो इसको अप्लाई करने का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डाल दूँगा इसमें, उस लिंक के थ्रू भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे पहले देख लेते हैं, 21 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा। और इसका जो है आप कैसे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बारे से पहले मैं एक चीज़ बारे में बता देता हूँ कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। आप जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोल के एक लिंक रहेगा, उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर है, सब ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट बी, फार्मासिस्ट, सभी के पोस्ट के स्टाइपेंड कितना कुछ है। तो अलग अलग जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, तो किसमें कितना वैकेंसी से आप देख सकते हैं। मेडिकल फील्ड्स में जैसे कि आपका मेडिकल 10+2 होना चाहिए, साइंस विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होना चाहिए, पास सब ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो इसमें आप अलग अलग फील्ड्स का जो भी है इसको देख सकते हैं, जैसे कि आपका स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 1 हेल्थ फिजिस्ट, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जूलॉजी या बोटनी सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ जो पास में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल्स अपने अपॉइंटेड सब्जेक्ट इसको देख सकते हैं। तो इसके कई सारे जो है आपके स्टेप के, आपको टोटल कई सारे प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन, चाइनीज अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन होता है आपका। स्टेज एडवांस स्टेज में जाता है, उसके बाद आपका आता है स्किल टेस्ट। तो ये सारे कई सारे स्टेज हैं इसका जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस का। और हाइट यहाँ पर बताया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट जो 65 सेमी होनी चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए 50 kg मिनिमम, चेस्ट 81 सेंटीमीटर नॉर्मल मीडियम, मिनिमम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। फिजिकल असेसमेंट टेस्ट के बारे में बताया गया है, कितना लॉन्ग जंप कितना कुछ है, इसको आप देख लीजिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए। और इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इसको अप्लाई करने के लिए जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। उस लिंक पे आने के बाद जो है ऐसा एक इंटरफेस, अगर इसका जो PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो न्यू है ना इसमें आप क्लिक करते ही आपका ये जो बटन है क्लिक किया, इसमें डाउनलोड कीजिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसको अप्लाई करने का, तो क्लिक किया मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे एक इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आते ही आपको जो है ऊपर में देख पाइएगा साइन अप एंड लॉगिन का है। तो पहले आपको जो साइन अप करना पड़ेगा इस साइड पे, साइन अप करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ देना है आपका। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है हर एक स्टेट पे, तो आपने अगर रजिस्टर किया है उसमें तो अपना नाम यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। उसके बाद जो है अपना रजिस्टर कर दीजिएगा, ये जो कैप्चा है, कैप्चा को देने के बाद आपको जो है सिंपली आपको लॉगिन नाउ बटन में क्लिक करना होगा। तो लॉगिन नाउ बटन में जब भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आपका ईमेल आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा और ये जो कैप्चा रहेगा। उसके बाद आप जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं आपको पूछा जाएगा आपका पासवर्ड डिटेल्स, आप कहाँ रहते हैं, मम्मी पापा का नाम, आपका एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा बैकवर्ड क्लास से आते हैं या जनरल से, हिस्ट्री ओबीसी। उसका फॉर्म फिलअप का फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और उसको जो है जो भी पहले सबमिट करने से पहले देख लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी फिल किया आपने वो सही है या गलत, तो उसके बाद आपको सबमिट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।